बिजनेस ना स्टेजेस में आगे बढ़ता है, एक सीढ़ियों में आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आप उस बिजनेस की सीढ़ियों में एक के बाद एक ऊंची सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे ना, आपके रिवॉर्ड्स बड़े होते जाएंगे, आपका इम्पैक्ट, आपकी लीडरशिप, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा, आप अपने सपनों को जल्दी पूरा करते चले जाएंगे। तो ये जो आज का वीडियो है बहुत खास है, बहुत पावरफुल है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 5 stages ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर 325 से ज्यादा वीडियो है। मैंने पिछले करीब 14 सालों में 10 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया, लेकिन पहली बार हम किसी वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, 5 stages ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जैसे जैसे आप पहली स्टेज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और पांचवी स्टेज में जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा कि जो लोग इस बिजनेस में टॉप 1% इनकम अर्नर की कैटेगरी में आए हैं उनमें क्या अलग है और वो कैसे वहां तक पहुंच पाए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपका बिजनेस स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है या 5 में है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस स्टेज पे आप कौन कौन से काम करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक विजयाच, नंबर 1 सपोर्टर, नंबर 1 फ्रेंड एंड वेल विशर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट सेलर्स। आइए डिस्कस करते हैं जल्दी से 5 stages कौन सी हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। स्टेज नंबर 1, प्रोडक्ट सेलिंग। ये हमारी पहली सीढ़ी है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। यहां पर आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम दिस। 2007 में जब पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया था तो मैंने भी एग्जैक्टली यहां से शुरू किया था। इट्स अ डेली एसेंशियल मैंडेटरी एक्टिविटी फॉर एवरी डायरेक्ट सेलर। हर एक डायरेक्ट सेलर को रोज ये काम करना है, क्या? प्रोडक्ट सेलिंग। दो चीजें अगर आप में है तो आप इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। नंबर 1, फेथ, भरोसा। किस पे? बिजनेस पे, प्रोडक्ट्स पे, अपने ड्रीम्स पे। आपको बिजनेस पे भरोसा है, डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा है, अपनी कंपनी पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट्स पे, उनकी क्वालिटी पे, उनके रिजल्ट्स पे भरोसा है, तो आप इस स्टेज में अच्छा कर जाएंगे। आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, बिजनेस के बेसिक्स की नॉलेज, लिस्ट कैसे बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, फॉलो थ्रू कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स। So, अगर आप में ये स्किल्स हैं, आपका फेथ मजबूत है, आपके ड्रीम्स हैं, तो फिर आप इस पहली स्टेज में आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। और 100 में से 90 लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बुरा बोलते हैं या जिन्हें लगता है ये बिजनेस नहीं चलते, ये पहली स्टेज भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ये पहली स्टेज क्रॉस कर भी गए तो भी फिर इस स्टेज में एक छोटा सा चैलेंज क्या है, इसमें टीम वर्क का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। आप हैं सेलर, आपके पास हैं बायर्स, आपके कस्टमर्स का बेस बना सकते हैं आप, लेकिन यहां पे आपको टीम वर्क मिलना शुरू नहीं होगा। आपको अपने एक्टिव काम से पैसे आएंगे लेकिन आपको पैसिव इनकम आनी यहां शुरू नहीं होती है। दिस इज द स्टेज नंबर 1, दैट इज प्रोडक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की दूसरी स्टेज। अब आप प्रोडक्ट सेलिंग से दूसरी स्टेज में कहां जाते हैं, दैट इज बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर बेस। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का बेस बनाते हैं, आप अपना नेटवर्क खड़ा करना शुरू करते हैं। 2 सरल से तरीके हैं जिनसे आप इसे कर सकते हैं। पहला, आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करिए। डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे रिक्रूट करेंगे आप? ये कौन लोग होते हैं? वो लोग जिनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे प्रोडक्ट से भी ज्यादा भरोसा है, जिन्हें ऐसा लगता है यार कि मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, प्रोडक्ट तो चलो आपके पास अच्छे हैं, या मुझे बिजनेस बताओ कैसे काम करना, कैसे आगे बढ़ना, लाइक दैट, दे हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट। और सेकंड इज यू वर्क विद योर कस्टमर बेस। आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपकी सर्विस अच्छी है, आपका रिलेशनशिप और बॉन्डिंग बढ़ता चला गया, प्रोस्पेक्टिंग आप लगातार करते हैं, यू कैन कन्वर्ट योर कस्टमर्स इनटू डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर डिस्ट्रीब्यूटर बेस। यहां पर धीरे धीरे आपके साथ में टीम वर्क होने लगता है और आपको ये बिजनेस एक बिजनेस के जैसा दिखने लग जाता है। अब आप भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपके साथ आपकी टीम में जो एसोसिएट्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे विल ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। स्टेज नंबर 3, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की कोर फाउंडेशन, बुनियाद है ये। डुप्लीकेशन क्या है, सरल भाषा में समझाऊं आपको तो फोटोकॉपी बोलते हैं हम इसको, और 2007 में भी हम इसको फोटोकॉपी बोला करते थे। हमारे अप्लायंस ने भी ऐसे सिखाया था, हमने भी बहुत सालों तक यही सिखाया। दैट इज डुप्लीकेशन इज इक्वल टू फोटोकॉपी। आप अपनी कॉपीज तैयार करते हैं। यू ट्रेन पीपल। कैसे ट्रेन करेंगे आप? ऑनलाइन इवेंट से, ऑफलाइन इवेंट से, वीडियोज के माध्यम से, लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से, और सबसे जरूरी ट्रेनिंग जो डायरेक्ट सेलिंग में होती है, दैट इज द बेस्ट ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अपलाइन डाउनलाइन के साथ में काम करते हैं और उनको काम करना सिखाते हैं। यू नीड टू क्रिएट इंडिपेंडेंट
लीडर्स इन योर टीम एंड दैट इज डुप्लीकेशन। आपकी टीम में एक ऐसे इंडिपेंडेंट लीडर्स की आर्मी है, एक जबरदस्त समूह है आपके पास उन लोगों का जो आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना भी बिजनेस को खुद कर लेते हैं। दे आर डूइंग बिजनेस ऑन देयर ओन, उनके अपने ड्रीम्स हैं, उनका अपना फेथ है बिजनेस पे, स्किल्स हैं उनके, धीरे धीरे आपने उनको ट्रेन कर दिया एंड दिस इज द स्टेज वेयर यू स्टार्ट गेटिंग लिटिल पैसिव इनकम। थोड़ा थोड़ा पैसिव इनकम आपको यहाँ आना शुरू हो जाता है, यू स्टार्ट लविंग दिस बिजनेस, फिर आप इस बिजनेस को फुल टाइम करने का निर्णय लेने लगते हैं, इनकम स्टार्ट्स ग्रोइंग, इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स ग्रोइंग, योर नेटवर्क स्टार्ट्स ग्रोइंग। बहुत बार आपके सिटी से बाहर और आपकी स्टेट से बाहर, कई बार कंट्री से बाहर भी स्टेज पर बिजनेस चला जाता है। तो दिस इज स्टेज नंबर 3, दैट इज डुप्लीकेशन। तो स्टेज नंबर 1 प्रोडक्ट सेलिंग, नेक्स्ट लेवल पे आ गए आप। स्टेज नंबर 2 बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर बेस, स्टेज नंबर 3 डुप्लीकेशन, एंड नाउ स्टेज नंबर 4, दिस इज वेरी पावरफुल, वन ऑफ माय फेवरेट्स, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर टुडे नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया पर्टिकुलरली, यू नो, लीडरशिप। आपकी पर्सनालिटी, आपका विजन, आपके रिलेशनशिप, करिश्मा, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस, मैग्नेटिज्म, ऑल दीज थिंग्स, दिस इज योर लीडरशिप। उससे भी बड़ी बात, आपके वैल्यूज, आपके एथिक्स, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एजुकेशन एंड कल्चर यू आर बिल्डिंग अमंग पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप बहुत आसान लगती है लोगों को, बट लीडरशिप इज सर्विस, लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या, आपको वो बनकर दिखाना है जैसा आप लोगों को चाहते हैं। You need to be a real example of what you want people to do, what you want people to be, right? इस स्टेज पर, लीडरशिप स्टेज पे, people love to follow you, people love to be with you. और इसमें दो चीजें खास होती हैं अगर आप एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। नंबर 1, यू अट्रैक्ट राइट गुड एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स। आप लोगों के पास जाया करते थे वो तो था ही, अब आपके पास लोग चल कर आने लगते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड नंबर 2, जो लोग आपकी टीम में आ जाते हैं वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रुकते हैं बिजनेस में, आप अपनी टीम को रिटेन कर पाते हैं। सो बिना लीडरशिप के आपके पास क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स या तो आएंगे नहीं, या फिर अगर आ गए तो आपके साथ रुकेंगे नहीं। तो दिस स्टेज नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ लास्ट स्टेज, द अल्टीमेट स्टेज, यहां पर आकर बनते हैं टॉप 1% इनकम अर्नर्स इन एवरी कंपनी, एवरी कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। दिस स्टेज इज कॉल्ड सिस्टम्स, सिस्टम। दिस इज द मेजर शिफ्ट, और यहां पर माइंडसेट शिफ्ट की बहुत जरूरत होती है। दिस इज द मेजर शिफ्ट। आप कुछ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में जानते हैं जो 10-10 साल से लगे हैं, 15 साल से लगे हैं, आज भी एक्टिव इनकम कर रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो पैसे आते हैं, नहीं तो फिर पैसे रुक जाते हैं। एक टीम बनती है, दूसरी बिखर जाती है, यहां से काम आता है, वहां से आना बंद हो जाता है। रैंक शायद उनके पास में कोई अच्छा खासा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी इनकम, लाइफस्टाइल, गाड़ियां, नो, उनकी बातचीत, काम करने का ढंग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, मैग्नेटिज्म, करिश्मा, ये सब उतना खास आपको नहीं दिखाई पड़ता। एंड यू फील दे आर स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। Why this is happening? Because वो पांचवीं स्टेज में लैक कर जा रहे हैं, lot of people, and that stage is called systems. बहुत बार मैंने नेटवर्क मार्केटर्स को देखा है, वो रॉबर्ट कियोसाकी साहब की एक किताब है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसका एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट यूज करते हैं, ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस मैन एंड इन्वेस्टर्स। और फिर वो बोलते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाएंगे तो फिर आप खुद ब खुद चले जाएंगे लेफ्ट से राइट साइड में, अब आप बन गए बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ट्रेजेडी माई डियर फ्रेंड, सैड बट ट्रू, बट 100 में से 99 नेटवर्क मार्केटर्स लेफ्ट में शुरू करेंगे और मर जाएंगे, लेकिन लेफ्ट में ही रहेंगे। Why? Because they don't know system. रॉबर्ट कियोसाकी साहब बोलते हैं बिजनेस कौन सा आप करते हैं वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप लेफ्ट में हैं या राइट में हैं। आप उस बिजनेस को किस ढंग से करते हैं, दैट डिसाइड्स वेदर यू आर अ लेफ्ट साइड बिजनेस ओनर और अ राइट साइड बिजनेस ओनर। और ये लेफ्ट और राइट के बीच में सबसे बड़ा फर्क जो है, दैट इज सिस्टम। दिस इज अ मेजर शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट है, दिस इज मोर अबाउट माइंडसेट, दिस इज मोर अबाउट इमोशंस, एंड दिस इज अबाउट शिफ्टिंग योर बिजनेस फ्रॉम पर्सन ड्रिवन बिजनेस टू सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। गौर से सुनिएगा, आप अपने बिजनेस को पर्सन ड्रिवन, इंडिविजुअल ड्रिवन बिजनेस से टीम ड्रिवन बिजनेस, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस कर देते हैं। दिस इज द शिफ्ट वेयर लेजेंड्स आर क्रिएटेड। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इन June 2007, 28 June 2007 मैंने बिजनेस को शुरू किया। जॉब किया करता था, खानदान में कभी किसी ने बिजनेस को नहीं किया। 3 महीने बिजनेस को कमाल का किया, और ऐसा कमाल का किया कि 2 लाख रुपए महीना आने लगे, मैंने मेरी जॉब को भी रिजाइन कर दिया। तो 28 जून 2007 बिजनेस को शुरू किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने बिजनेस को पार्ट टाइम किया, 30 सितंबर 2007 आई वाज अ फुल टाइमर इन द बिजनेस। बिजनेस के लिए मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया, बिजनेस को दम लगा कर किया और बिजनेस खूब उठा, आसमान की ऊंचाइयों तक गया, और उसके बाद मैं क्रैश कर गया, मैं सीधा अर्श से फर्श पर गिरा। क्यों मालूम, ये सिस्टम वाली समझ नहीं थी। इंडिविजुअली मैं कमाल कर सकता था, मैंने प्रोडक्ट बेचे, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाया, लीडरशिप बहुत बढ़िया थी, डुप्लीकेशन भी करने लगा बीच बीच में, लेकिन
वेयर आई गॉट स्टक वाज सिस्टम। मेरे पास सिस्टम्स नहीं थे, तो जहां मैं जाता था बिजनेस होता था, जहां से आ जाता था बिजनेस क्रैश कर जाता था। 9 महीने लगे, इट वॉज द टफेस्ट फाइनेंशियल टाइम ऑफ माई लाइफ। नवंबर 2007 से आप माने जुलाई अगस्त 2008, वेरी टफ टाइम्स, बट आफ्टर दैट वी बाउंस्ड बैक। एंड व्हाट डिड वी डू इन दोस 9 मंथ्स? वी क्रिएटेड सिस्टम्स फॉर आवर टीम। परिणाम, जनवरी 2009 से आई स्टार्टेड गेटिंग पैसिव इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस, एंड आई मीन इट जस्ट कंटिन्यूड आफ्टर दैट। आई नेवर हैड टू गो बैक टू बिजनेस। लाइक आई बॉट माय फर्स्ट मर्सिडीज बेंज विद इन 2 ईयर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। 27 कंट्री घूम चुका हूँ, लाइक लाइफ स्टाइल एवरीथिंग इज देयर, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि अगर मेरी वजह से होता तो फिर बिजनेस गिरता नहीं। किसकी वजह से हो पाया है सब? राइट, सिस्टम्स की वजह से। नो, इफ यू वांट योर बिजनेस टू गिव यू एक्चुअल पैसिव इनकम, बिजनेस ऑटो मोड में जाना चाहिए, देन यू नीड टू वर्क एंड क्रिएट सिस्टम्स इन योर टीम। सिस्टम्स क्या करते हैं? लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या करना है। टूल्स हैं आपके पास में, सिस्टम्स हैं आपके पास, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स, राइट? व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल सिस्टम। व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैकडॉनल्ड्स? What is special about Pepsi? What is special about Amazon? What is special about any big organization? System, system, system. So, yeah, network marketing business ki 5th stage hai. And I invite you, my dear friends, you must go for stage number 5 in this business. That is a beautiful place. January 2009 onwards, I have been enjoying that place, right? Wo jagah bahut shandar hai, bahut khoobsurat hai. Aur maine kai saalon tak, dashak tak usko enjoy kiya hai. So, that's why I can tell you, agar aap is business mein hai na, to aap zarur us stage tak jaiyega. I'm sure, is 5 stages ke bare mein, अब आपको कंप्लीट आइडिया लग गया होगा। अब आपको साफ साफ मालूम है आपका बिजनेस कौन से स्टेज में है। तो अब ना सिर्फ आपको यह आइडेंटिफाई करना था इस वीडियो में कि आप कौन से स्टेज में हैं, उससे भी बड़ी बात आप ये पता लगाइए अब आपको उस स्टेज से अगली स्टेज में जाने के लिए क्या क्या करना है। और एक और सलाह दूंगा आपको, पहली से पांचवी में कूद के नहीं जा सकते आप, पहली से दूसरी में जाएंगे, दूसरी से तीसरी से फिर चौथी फिर पांचवी, लाइक दैट। सो डिसाइड करें आप कहां हैं, क्या क्या करना होगा अगली स्टेज में जाने के लिए, एंड गेट टू वर्क माय डियर फ्रेंड। फिर से कहूंगा आपको, यू हैव चोजन वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस ऑन अर्थ, डोंट क्विट अंटिल यू फुलफिल योर ड्रीम्स। और दुनिया भर में करोड़ों डायरेक्ट सेलर्स हैं, लेकिन सिर्फ सही जानकारी ना होने की वजह से ना, दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग ईयर आफ्टर ईयर और अल्टीमेटली बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि हर एक डायरेक्ट सेलर तक सही जानकारी पहुंचे। दे शुड नो व्हाट इज रियली राइट फॉर देम, व्हाट इज गुड फॉर देम। आपने दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस चुना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जब तक कामयाब ना हो, जब तक मिलेनियर ना बने, छोड़िएगा मत। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं और मेरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आई हैव वन ड्रीम माय डियर फ्रेंड, दैट इज आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर कमाल करें, और आइए मिलकर इस डायरेक्ट सेलिंग के खूबसूरत प्रोफेशन को थोड़ा और गर्व और गौरव दिलाएं। आइए हम अपनी अचीवमेंट से थोड़ा और प्राइड, थोड़ी और ग्लोरी इस बिजनेस के लिए भी लेकर आएं। थैंक यू सो मच, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।